अगर आप भी फटी हुई एड़ियों से परेशान हो तो ये मंगा लें एक बार, ये यूज करके देखें मंगा के। ये मैंने अमेजोन से मंगाया है। इस तरह से मैं अभी इसे खोल के दिखाऊंगी, इस तरह से पहना जाता है। अगर आपको दिख रहा है पूरा साफ साफ क्लियर, इस तरह से पहना जाता है ये एड़ियों में। चमकदार खूबसूरत एड़ी किसे पसंद नहीं है, सभी को साफ सुथरे बिल्कुल क्लीन और चिकनी एड़ियाँ पसंद होती हैं। तो अगर एड़ी फटने से परेशान है आप में से भी कोई, बहुत लोग होंगे ऐसे जिनकी बहुत ज़्यादा एड़ी फटती हैं और बुरी लगती हैं एड़ी, चप्पल पहनो कुछ भी पहनो तो एक अच्छा नहीं लगता, शर्म सी लगती है अगर बाहर को जाओ तो अगर ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मैंने ये यूज कर लिया है, समझ गए। अब तो मैं ऐसे दिखा रही हूँ आपको, मैंने यूज करा है, ये कैसे पहनना है कैसे यूज करना है बहुत आसान है। इसमें ये इस तरह से है, आप इसे कहीं से भी मंगा सकते हो। पहले तो आपने मैंने दिखा दिया आपको कि इस तरह से इसकी ये फोटो बनी हुई ना पैर पे, इस तरह से पहना जाएगा। मैं भी पहन के भी दिखाऊंगी इसे, ठीक है। तो ये ऐसे, और ये देख रहे हैं इसमें छेम भी हैं थोड़े छोटे छोटे से, देख रहे हो, ताकि हवा मतलब के मॉइस्चराइजर सुखाए अंदर से वो ना करे। जैसे पहन के पूरी रात, यानी कि इसे ऐसे पहन के चलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, पहन के सोना है। अभी मैं पहन के दिखाती हूँ, और ये इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये इधर से सीधा है जो ये इसमें ऐसे ऐसे लग रहा है, थोड़ा दाने दाने से लग रहे हैं ना, तो ये है दाने दाने से बाहर का है, और जो बिल्कुल चिकना है वो अंदर की साइड है बिल्कुल चिकना। तो इस तरह से है, इसे मैं पहन के दिखाती हूँ। और इसमें कुछ ऐसा मतलब कि इसमें कुछ ऑयल है, तेल जैसे कोई चिकनाई होती है ना, चिकनाई है, देखो ये बिल्कुल स्टेच है ऐसे, इसमें कुछ चिकनाई है, ऑयल है कोई ऐसा इसमें, जो हमारी स्किन को के अंदर चला जाता है और स्किन अब्जॉर्ब कर लेती है, और रातों रात एड़ियों को ये बहुत ही नरम और बहुत सॉफ्ट और हीलिंग का काम करता है, एड़ी भरने का काम करता है, और एड़ी आपकी बिल्कुल एकदम पहनते के साथ ठीक होती चली जाती हैं। और एड़ियों पर आपने पहले इस तरह से कोई भी आप कोई और क्रीम हो, चाहे वैसे तो मैंने इसकी वीडियो पहले भी बनाई है क्रैक क्रीम की, मैं इसका लिंक दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इससे बढ़िया एड़ियों के लिए कोई क्रीम नहीं है क्रैक क्रीम से। क्रैक क्रीम लगाते के साथ पैरों में तुरंत से आराम आना शुरू हो जाता है, पर उसके लिए इस वजह से यह है, यानी कि सोने पे सुहागा है दोस्तों, जैसे कि बहुत ज़्यादा फटती रहती हैं और ठीक ही नहीं होती। रोजाना लगाओ, रोज लगाओ, बहुत दिनों तक लगाते रहो इसे, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा लोगों की बहुत ज़्यादा फटती हैं, तो कुछ ऐसा और जरूर अजमाना यूज करना चाहिए। इससे ये होगा दोस्तों कि जैसे कि आपको दिन में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रात को लगाने के बाद, जैसे कहते हैं ना कई सारे लोग लगाने के बाद क्रैक क्रीम लगा के और मोजा पहन लेते हैं, तो मोजे की जगह आपने ये पहना, और ये मोजा नहीं है, ये हील करता है, ये बहुत सॉफ्ट है, और इसका जो मॉइस्चराइजर है इसमें कुछ ऐसी नमी कोई ऐसा ऑयल है इसमें जो आपकी एड़ी की दरार स्किन के अंदर जाएगा और एड़ी को भरने का काम करेगा। तो इसको मैं पहन के दिखा दूं कैसे ये पहना जाता है, और कैसे, जैसे कि मान लो मेरा तो इसी से ठीक होया दोस्तों, इन्हीं दोनों से ठीक हुई है मेरी एड़ियां, समझ गए। ये सिर्फ दो बार मैंने यूज करी, उसके बाद मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी यूज करने की, और ये सालों साल चलेगी, ठीक है, अगर फटेगी नहीं बिल्कुल भी। तो इसे आपने पहन के नहीं चलना, मान लो कि जैसे ये पैर है, देख लो मेरा तो इतना ऐसे ऐसे खड्डे 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 पैर में होते थे दोस्तों, ऐसे ऐसे खड्डे खड्डे, और मैं इतना परेशान होती थी। सिर्फ एक बार यूज करा है मैंने ये, और मेरी उसके बाद मुझे जरूरत नहीं पड़ी, समझ सकते हो आप। तो यानी कि जैसे कि ये मेरे अभी एडियो में कोई खड्डे नहीं है, ठीक है, तो मैं वैसे ही आपको दिखा दूं, यानी कि जिस तरह से आपने ये क्रैक क्रीम है, ठीक है, इस तरह से आपने क्रैक क्रीम अच्छे से अपनी एड़ियों में भर लेनी है, जहां जहां भी आपकी एड़ियों में दरारें आ रही हों, ठीक है, यानी कि जहां जहां भी आपकी एड़ी फट रही हो। तो मेरी एड़ी इससे ठीक हो गई, जब मेरी एड़ी ठीक हो गई दोस्तों, जब भी मैं आपको बता रही हूँ, समझ गए, जब मैंने ये यूज कर लिया है उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, समझ गए। यानी कि इस तरह से आपने इसको पहनना है, कैसे बता देती हूँ मैं आपको कैसे पहनना है आपने ये, सॉरी ऐसे, ये देख रहे हैं आप अच्छे से, पहले ज्यादा खींचना उचना भी नहीं है आपने ये, ठीक है, इस तरह से पहनना दोस्तों, ये देख लें आप, ये देखें इस तरह से पहनना, देख रहे हो कितना आसान है पहनना, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, एकदम एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इसको आप जैसे जितना पूरा एड़ी पे कर लें इसको अच्छे से, ठीक है, ये देखें आप पूरा एड़ी पे हो गया, ठीक है, ये देखें ऐसे। और इसको पहन के आपने, भाई मैंने पहले बता दिया कि चलना नहीं है बिल्कुल भी, चलोगे तो ये फट जाएगा, टूट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है, इसे पहन के बिल्कुल भी ना चलें। और जैसे ही अपने बेड पे जाएं आप, ठीक है, दोनों पैरों में, ये दोनों पैरों के हैं, दोनों पैरों में इसी तरह से पहनना आपने, ठीक है, यानी कि पहले आपने क्रैक क्रीम लगानी है ये वाली, और उसके बाद ये पैर लेना, ठीक है। इसके बाद आप, हो सके आपको लग रहा है ना, जैसे पता कैसा लग रहा है ये, ऐसा लग रहा है मुझे छूने से ही, ये जैसे छिपकली नहीं होती देखने में, छिपकली हमने छुई तो कभी भी नहीं है, पर छिपकली को हम देख के वो कर सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं, समझ के फील कर सकते हैं कि ऐसा लग रहा है देखने में ये, जैसे छिपकली होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको ये थोड़ा गिलगिला सा लगेगा, अजीब अजीब सा, तो इसके ऊपर आप मोजा
पहन ले, ठीक है, जुराब पहन ले कोई भी, और जुराब पहन के आप जो ना आराम से अपना रजाई में, कंबल में, जिसमें मर्जी आप जिसमें सोना सोते हो उसमें आप सो जाए, ठीक है। और इसे सुबह को जब भी आप रात को उठे ना, जैसे वॉशरूम करने के लिए मैं उठी, मैंने पहना था ना, वॉशरूम करने के लिए तो बंदा एक दो बार उठता ही है ना, तो जैसे उठे तो इसे मतलब कि इससे ना चले, ठीक है, चप्पल पहने इससे ना चले, और आगे से पंजे से चले, इस तरह से चले, ठीक है, इस तरह से चले, पंजे पंजे से चले, ठीक है, पंजे पंजे से चले, और ये वाला एड़ी नीचे ना रखें बिल्कुल भी, ताकि मैंने बोल दिया फटेगा, फट जाएगा। तो सुबह को अपना आराम से इसे जो मोजा पहना रही है पहना, निकाल दें, निकालने के बाद आपको ऐसा मुलायम सॉफ्ट बिल्कुल एड़ी, और फिर आपको जरूरत भी शायद भाई दो तीन एक दो बार करके देख लें आप, ठीक है। इतनी बढ़िया चीज मैंने बताई आपको, ये मंगाएं, ठीक है, और यूज करके देखें, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताएं। जिनकी एड़ी बहुत ज़्यादा फटी रहती हैं, बुरी लगती हैं, अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी, देखने में शर्म लगती है, हम बाहर को निकलते हैं जाते हैं, आजकल तो वैसे भी शॉर्ट्स वो चले हुए हैं, जैसे ट्राउजर वगैरह हम पहनते हैं तो इतने शॉर्ट चले हुए हैं ना, मैंने अभी पहन रखा, देखो कितना मेरा यहाँ तक है ना, ये देखो मेरा ये जो है यहाँ तक है, देख रहो, तो यहाँ तक ट्राउजर पहनते हैं तो ये बुरे लगती है एड़ी, और वैसे भी सर्दियों में तो दुखती थी, खून निकलता था मेरे, मगर इनसे बहुत ही ज़्यादा फर्क, बहुत ज़्यादा आराम मुझे इनसे, ज़्यादा मतलब इसी से ठीक हुई है, मुझे ज़्यादा इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, समझ गए। तो ये है अमेजोन से, मैंने बता दिया कि अमेजोन से मंगाई हम, आप तो जहाँ से मर्जी मंगा लो, जहाँ से आपका दिल करे, किसी भी कॉस्मेटिक की दुकान पर ये मिल जाएगा, है ना। और इस तरह से आपने देख लिया ये सब कुछ, ये देख लें आप इसका, ये ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो इसी तरह से ऐसे मांगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये देखें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, ठीक है, दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपना दिखाएं जाके जिससे भी आप लेना चाहते हो, या फिर अगर अमेजोन से मंगाना चाहते हो तो ये भी, तो सारा है ना बढ़िया चीज़, ये बहुत ही बढ़िया चीज़, तो सच में कह रही है, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप जो ना मंगाएं, कहीं से भी मंगा लें, और ये बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही बढ़िया है, इसमें कुछ बता दिया मैंने, कुछ ऐसा ऑयल सा है, तो सच में कह रही हूँ ये चीज़ें थोड़ी सी मतलब एक बार वो लगता पैसे या जो भी है, मगर बहुत ही आराम, मतलब कि आपको छुटकारा मिल जाता है ऐसी एडी फटने से, जो भी परेशानी है उनसे छुटकारा मिल जाता है, ठीक है। और फिर आराम से सुबह को आपने ये ऐसे उतार देनी है, ठीक है, ऐसे करके, और ना ये वॉश करने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने तो साफ़ करके पैर बिल्कुल रात को साफ करके धो के पैरों को, और ये लगा के और जब ही तो पहनने हैं हमने, और ना हमने चलना है ना कुछ करना है, ये इधर से उल्टा है, जिधर से चिकना सा है वो अंदर की साइड रख रहना है, और जिधर से ये दाने दाने से हैं, ये देख रहे हो दाने दाने से, ये बाहर की साइड है, ठीक है। तो और फिर अपना आराम से जब आपकी एड़ी ठीक हो जाए तो फिर ऐसी तरह से किसी भी आप कोई जैसे कि ये प्लास्टिक की पन्नी है ना, ये देख रहे हो प्लास्टिक की पन्नी है, इसमें ऐसे करें, ठीक है, इसमें ऐसे करें और क्या कहें अपना इसी में करके, पन्नी में करके, और अपना इसमें करके रख दें, ऐसे ऐसे रख दें, फिर कहीं भी ऐसी जगह रखें जहाँ चूहे ना काटें, ठीक है। तो ये देख लें आप, ठीक है। तो दोस्तों ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी, और इसके बारे में मैंने बताया है, ठीक है, पहले वीडियो में इसकी ये है क्रैक क्रीम, इस ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बिल्कुल भी मत जाना दोस्तों, सच में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सेहत और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। मेरे चैनल पर बहुत ही पैसे बचाने वाली वीडियो हैं, जो आपको सारी मैं जो भी मैंने बताया होगा 1001% सच और अजमाया हुआ होता है, और जो भी जैसा होता है मैं उसमें बता देती हूँ, तो ज़रूर इसलिए आपको मुझसे जुड़ना चाहिए, और मुझे इसी नाम से दोस्तों, यानी कि मैं उसका लिंक दे दूंगी, मैं अपनी इंस्टाग्राम का, मुझे इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो करें, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।